हेलो गाइस, खमागणी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सो फाइनली आप सबका वेट अभी ओवर हो चुका है। आप सब ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी इंस्टा पे भी, लाइव में भी, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि जीजा प्लीज़ आप एक फुल मेकअप वीडियो अपलोड कर दो। सो फाइनली मैंने ये सोचा कि आज फाइनली मैं एक मेकअप वीडियो बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको मेरा आउटफिट दिखाती हूँ, मतलब राजपूती ड्रेस मैं आज पहनने वाली हूँ, और उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं पहनूँगी, मैंने सोचा है कि मैं एकदम ये प्लेन ब्लू सूट है एक, जिसका ऊपर और नीचे दोनों लहंगा बिल्कुल ऐसा प्लेन ब्लू कलर का है, और उसके ऊपर मैं पहनने वाली हूँ ये प्योर का उड़ना जो कि पिंक कलर का है, उस पर स्टार्स बने हुए हैं ग्लिटर वाले। सो इसको तो अभी रखते हैं साइड में, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले मुझे लगाना था, मेरे फेस को मॉइस्चराइज़ करना था, उस जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, और उसके लिए मैंने यूज़ किया था ये सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही अच्छा है। अपने बहुत लोगों की वीडियोस में देखा होगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद सब तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। तो पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर, ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपको सबके डिटेल्स कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर है। बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी कि मैं अभी कहीं जा तो नहीं रही हूँ, बस मैं थोड़ी देर के लिए बूंदी हटानी पड़ेगी। सो अब इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। जो फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ वो है मेरा फिट मी का मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, और मेरा शेड है 220, ये शेड है मेरा। तो ये फाउंडेशन मैं यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, वो भी है मेबलिन का फिट मी, और इसका शेड है 25 मीडियम। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन लगाने के बाद में, मुझे तो दिख रहा है थोड़ा बहुत। उसके बाद अब यूज करेंगे कॉम्पैक्ट। अगर आपको चाहिए कि आपकी अंडर आइज मतलब कुछ ज़्यादा ही अगर डार्क सर्कल्स वगैरह थोड़े से हो, और अगर आपको लाइनिंग वगैरह दिख रही हो अच्छी लगी हो जैसे, तो आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैं अभी लूज़ पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं आपको बता देती हूँ मैं वो भी फिट मी का ही यूज़ करती हूँ ये वाला, पर अभी मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। अभी मैं यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट सेम मेबलिन। अब मुझे क्या चाहिए? यस, आई शेड। तो अभी मैं मेबलिन न्यू ईयर का ये मास्टर क्रोम करके जो है ग्लिटर, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हाइलाइटर है वैसे तो, पर मैं इसको आईज पे भी यूज़ कर लेती हूँ। दिख रहा होगा शायद थोड़ा थोड़ा, आई होप दिखाई होगा।
अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो कि लाइक और सेम लगाना दोनों तरफ, क्योंकि मेरे साथ तो कभी भी नहीं हो पाता कि मैं दोनों तरफ बिल्कुल सेम लाइनें लगा पाऊँ। और आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसे फ़ोन में देखते हुए लाइनें लगाने वाली हूँ, लेट्स सी कैसा होता है। तो जो लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ सेम मेबलिन का लाइन टैटू करके इम्पैक्ट आई लाइनर, ये वाला है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, कैसा लगा पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लाइनर लगाने के लिए मेरे दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी एक हाथ में मैंने पकड़ा है मिरर, एक हाथ से मुझे लाइनर लगाना, तो ये मेरे लिए एक टास्क। सो लेट्स सी मैं इसको कैसा पूरा करती हूँ। एक आंख पे तो सक्सेसफुली लग चुका है, दूसरे पे लगाते हैं। आई होप ऐसा इधर भी मैं लगा लूँ। हो चुका है, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेकअप बहुत जल्दी जल्दी कर सकती हूँ, मैं बहुत फटाफट से मैं रेडी हो सकती हूँ अगर मेरा लाइनर जल्दी से लग जाए। और अगर कभी जब ऐसा होता है कि अगर मेरा लाइनर सही नहीं लगा तो उसको लगाने में मैं पता नहीं बार बार हटाऊँगी लगाऊँगी, जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा तब तक मुझे ऐसे लगता नहीं कि नहीं चल जाएगा, चलने वाला तो मुझे हो नहीं पाता है, तो तब तक तो मैं बिल्कुल ऐसे कम क्या हो जाता है। तो अगर मेरा लाइनर फटाफट से लग जाता तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी आ जाता हूँ। तो फाइनली अभी तो ये लग चुका है, अब है मस्कारा। तो मस्कारा है मेबलिन सेम, मेरे सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट मेरे मेबलिन के ही हैं। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो अब लगाते हैं मस्कारा। मैं बहुत ही बेसिक सा मेकअप करती हूँ, कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल या प्रोफेशनल टाइप कुछ भी नहीं, नॉर्मल मेकअप ही सब करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है। अब क्या बाकी रह गया है, जिसमें सडनली वीडियो पॉज हो गया था, बट ठीक है। हाँ तो अभी हमें लगाना है ब्लश, ये है शुगर का कॉन्टूर पैलेट। इसके अंदर एक्चुअली आपको ये तीन शेड दिखेंगे, ये कॉन्टूर के लिए, ये ग्लिटर ये हाइलाइटर है, और ये थोड़ा सा ब्लश के लिए। तो मैं इसी का ब्लश मोस्टली यूज़ करती हूँ, मुझे पता नहीं यही पसंद आता है। तो अभी मैं इसको बहुत हल्का हल्का सा अपने फिंगर्स से लगाने वाली हूँ। मेबलिन का ही है ये, इसी को मैं ये भी लगा दूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ब्लश भी हो गया, और ये है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है काजल, इसके बिना तो कोई भी इंडियन मिरर अधूरा सा लगता है। लिपस्टिक मैं ड्रेस पहनने के बाद लगाने वाली हूँ, सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लिपस्टिक लगाने वाली हूँ और क्या क्या मैं यूज़ करने वाली हूँ, बैंगल्स और सब। तो सबसे पहले लास्ट फिक्सर, मेकअप फिक्सर, जैसे कि हमारा ये मेकअप अगर मैं अभी इसके बाद जाऊँ। सो फाइनली मैंने कर लिया था चेंज, मैंने माँ टीका लगा लिया चेंज करने के बाद, और मैंने बिंदी लगा ली थी, मुझे जो एकदम पिंक कलर चाहिए था वो तो मुझे नहीं मिला, बट ठीक है जो था मैंने पहन लिया। अभी चेंज करते हैं इयर रिंग्स,
सबसे अच्छी बात पता है क्या, मैंने मेरे शू शूल ऐसे रखा है कि मतलब ये बस ऐसे पकड़ के ऐसे टाइट कर दो और ये बंद हो जाता है, मतलब ऐसे बांधने वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी रहता है खुद से पहनने में अगर कोई नहीं होता है तो भी, वरना किसी ना किसी की हेल्प लगती है कि ऐसे पहनने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, तो ये भी बहुत ईजी सिस्टम है, बस इसको मैं अच्छे से ढीला करती हूँ और ऐसे गले में डालना है एक बार पहले। दूसरा वाला भी पहन लेते हैं, अब बिल्कुल चेंज लाने के लिए हमें चाहिए लिपस्टिक। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये शेड लगाती हूँ, देखती हूँ कि लगाने के बाद कैसा लगेगा, बट अभी मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा। यह है मेबलिन का शेड, आइस का रूलर है ये शेड नंबर 80। एंड आई थिंक मेरा पूरा वीडियो मेबलिन पे ही बन रहा है। अभी हम लगाते हैं लिपस्टिक। लगाते हैं कितना ज़्यादा चेंज रहता है सब कुछ, एकदम ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल दिन रात बदल गए, क्या बोलते हैं दिन रात दस बार बदल गए बदलना चाहिए। सो अब ये जो लास्ट चीज़ जो मैं सोच रही थी वो है मुझे करनी है रिंग्स, उसके बाद हम मैं हो चुकी हूँ एकदम टोटली रेडी। तो फाइनली हमारा लुक हो चुका है कंप्लीट और आप ये देख रहे हैं सारी ज्वेलरी और सब कुछ मेकअप वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा तो आई होप आपको सब कुछ सब समझ में आ चुका होगा। मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं नेम आपको सारा दे दूंगी और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको नायका पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको और भी कोई बात पूछनी हो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। इस आउटफिट को पूरा देखने के लिए और इससे रिलेटेड फोटोज़ वीडियोज़ वो सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ, सो बिल्कुल भी मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।